बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आवर सब्जेक्ट इज़ प्लांट सिस्टमैटिक्स एंड आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर शहरी शुमर। आज हमने अपना लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करना है, दैट इज़ अबाउट द इनफ्लोरिसेंस। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं हमने 14 लेक्चर में भी इनफ्लोरिसेंस को डिस्कस किया था। आज हमने जो है वो उसी को जो है कंटिन्यू करना है, पार्ट टू उसका डिस्कस करना है। ठीक है, हम लोगों ने इनफ्लोरिसेंस को कहा था कि जो है अरेंजमेंट हुआ है फ्लावर की, ठीक है, फ्लावर किस तरह से जो है वो प्लांट पर अरेंज होते हैं उसको हमने इन्फ्लोरिसेंस का नाम दिया था। और इन्फ्लोरिसेंस की हमने जो है वो सिंपल टाइप जो थी वो स्टार्ट की थी, उसके अंदर हमने रेसिमोस को डिस्कस कर लिया था। रेसिमोस टाइप को हमने जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था, उसकी टाइप्स डिस्कस की थी। आज हम जो है वो नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ साइमोस इन्फ्लोरिसेंस। ठीक है, साइमोस इन्फ्लोरिसेंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बेसिकली साइमोस इन्फ्लोरिसेंस क्या होती है कि इसके अंदर जो मेन एक्सिस होता है वो टर्मिनल जो है फ्लावर के साथ ख़त्म हो जाता है। मेन एक्सिस सून एंड जीना फ्लावर के, जैसे ही फ्लावर आता है तो वो टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जो ब्रांचेज होती हैं वहाँ पर जो है वो लेटरल ब्रांचेज पर, डॉटर एक्सिस पर नए फ्लावर जो है वो बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इन दिस इन्फ्लोरिसेंस ऑन द मेन एक्सिस, द मेन एक्सिस सून एंड्स इन अ फ्लावर, इट गिव्स वन और टू लेटरल ब्रांचेस और डॉटर एक्सिस, ईच ऑफ विच एंड्स इन अ फ्लावर। कि एक जो मेन एक्सिस होगा, फॉर एग्जांपल ये मेन एक्सिस है, ठीक है, मेन एक्सिस पर फ्लावर बना और ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, इसके बाद इसने जो ब्रांचेस ओरिजिनेट की हैं यहाँ से, और यहाँ से जो ब्रांचेस ओरिजिनेट हुई हैं, इन ब्रांचेस पर जो फ्लावर बनेंगे वो जो है वो क्या होंगे, वो यंगर फ्लावर होंगे। जबकि जो एपेक्स पर मौजूद होगा वो हमारे पास जो होगा, ये वाला एपेक्स पर जो मौजूद है ये ओल्डर फ्लावर होगा। ठीक है, इसमें बेसिकली बेसिपिटल सक्सेशन पाई जाती है। ठीक है, हम लोगों ने जब रेसिमोस को पढ़ा था उसमें हमने कहा था उसके अंदर एक्रोपिटल सक्सेशन है, इसमें हम क्या कह रहे हैं, इसके अंदर बेसिपिटल सक्सेशन है। बेसिपिटल सक्सेशन से क्या मुराद है कि इसमें क्या होता है, टर्मिनल फ्लावर इज़ द ओल्डेस्ट एंड द लेटरल फ्लावर्स आर द यंगर। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि टर्मिनल जो फ्लावर होगा, मेन एक्सिस का जो फ्लावर होगा वो टर्मिनल होगा और वो हमेशा ओल्डर होगा, जबकि जो लेटरल फ्लावर्स हैं वो हमेशा यंगर होंगे। ठीक है, तो फ्लावर जो हैं वो क्लस्टर्स में मौजूद होंगे, यंगर फ्लावर्स आर प्रेजेंट टूवर्ड्स द पेरीफ्री एंड द ओल्डर फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल रीजन। जैसे कि यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि जो यंगर फ्लावर्स हैं वो पेरीफ्री पे मौजूद हैं और जो ओल्डर फ्लावर हैं वो सेंट्रल रीजन में मौजूद है। तो ये इसको हमने क्या कहा है, ये हमारे पास एक बेसिपिटल सक्सेशन है जिसकी अरेंजमेंट को हम सेंट्रीफ्यूगल भी कह सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल मतलब ऐसा, जैसे यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, कि दरमियान वाला जो टर्मिनल फ्लावर है ये ओल्डर है और जो ब्रांचेस बनी हैं इसके ऊपर यंगर फ्लावर्स हैं, और जो मजीद ब्रांचेस बन रही हैं उसके ऊपर मजीद यंगर फ्लावर्स, न्यूली फॉर्म फ्लावर्स जो हैं वो ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो इसको हमने क्या कहा, ये हमारे पास बेसिपिटल सक्सेशन है जिसके अंदर जो है वो टर्मिनल फ्लावर्स आर ओल्डर एंड द यंगर फ्लावर्स आर इन द लेटरल साइड। ठीक है, लेटरल साइड पर होते हैं, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल भी कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो साइमोस इन्फ्लोरिसेंस की टाइप्स हैं उसको हम आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम में भी नज़र आ रही होंगी, इसको जो है हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। साइमोस इन्फ्लोरिसेंस की हमारे पास तीन तरह की टाइप हैं। ठीक है, एक तो है हमारे पास साइमोस इन्फ्लोरिसेंस को हम यूनिपेरस में डिवाइड करते हैं, एक है हमारे पास जो है बाईपेरस और एक है हमारे पास मल्टीपेरस। अब जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है यूनिपेरस, यूनी मतलब एक, तो कुछ ऐसी चीज़ है कि इसमें जो है एक चीज़ मौजूद होगी। अब क्या एक चीज़ मौजूद होगी, ब्रांचेस, ब्रांच जो है वो एक साइड से ओरिजिनेट होगी, इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, यूनिपेरस और मोनोचेजियल साइम। मोनो मीन भी वन होता है, यूनी मीन भी वन होता है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो ब्रांचेज ओरिजिनेट होंगी वो सिर्फ एक साइड से ओरिजिनेट होंगी, चाहे वो लेफ्ट साइड हो या चाहे वो राइट साइड हो, सिर्फ एक साइड से जो है ब्रांचेज ओरिजिनेट होंगी। लिखा क्या हुआ है, इन दिस केस द मेन एक्सिस एंड्स इन अ टर्मिनल फ्लावर, ओनली वन डॉटर एक्सिस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कि वन डॉटर एक्सिस जो है वो बनेगा, जैसे कि हमने अभी कहा, जैसे मैं यहाँ पर अगर कहूँ, ठीक है, ये मेन एक्सिस है, इसका फ्लावर बन गया, ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब इसकी सिर्फ एक साइड से जो है वो ब्रांचेज ओरिजिनेट होंगी, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो। हमने जो है वो इसको राइट साइड से ब्रांचेज ओरिजिनेट करवा दी, फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है वो इसका यंगर फ्लावर प्रोड्यूस हुआ, ये फिर टर्मिनेट हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, इसकी फिर यहाँ से जो है वो फ्लावर बनेगा, ये फिर टर्मिनेट हो जाएगी, इस तरह फिर से, फिर यहाँ से ब्रांच ओरिजिनेट होगी और ये फिर टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ से ब्रांचेस ओरिजिनेट होती रहेंगी और ये टर्मिनेट होती रहेंगी, लेकिन सिर्फ एक साइड से ब्रांचेस ओरिजिनेट होंगी, चाहे वो लेफ्ट हो या फिर
राइट हो, ठीक है. द डॉटर एक्सिस अगेन एंड्स इन अ फ्लावर, कि जो टर्मिनल हमारे पास मेन एक्सिस होता है वो तो टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन जो हमारे पास ब्रांचेज या डॉटर एक्सिस है वो भी जो है वो फ्लावर पर टर्मिनेट हो जाएगा और मज़ीद एक डॉटर एक्सिस बनाएगा, जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो है वो सेवरल टाइम रिपीट होता है, ठीक है. और हमारे पास जो डॉटर ब्रांचेज ओरिजिनेट होती हैं या फ्लावर ओरिजिनेट होते हैं वो ब्रैक्ट्स की साइड, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्रैक्ट मौजूद हो, छोटा सा लीफ मौजूद हो, तो यहाँ से जो है वो ब्रैक्टियोल्स की ओरिजिन से डॉटर एक्सिस अराइज होते हैं, ठीक है. अब हमारे पास जो यूनिपेरस साइम होता है या जो यूनिपेरस या मोनोचेजियल साइम होते हैं, इसकी दो मजीद सब टाइप्स होती हैं. एक है हमारे पास स्कॉर्पियोइड साइम और एक है हमारे पास हेलिकॉइड साइम, ठीक है. स्कॉर्पियोइड साइम जिसको हम कह सकते हैं जो है हमारे पास अल्टरनेटिव या होता है, और जो हेलिकॉइड साइम है ये स्पाइरल होता है, ठीक है, स्पाइरल या फिर क्वाइल्ड होता है, ठीक है. लेकिन दोनों तरह के साइम में, चाहे वो हमारे पास हेलिकॉइड हो या फिर स्कॉर्पियोइड हो, दोनों के केस में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस है वो पहले तो हमें अलग नज़र आ रहा होता है. जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बनाऊँ यहाँ पर, ये हमारे पास जो है वो मेन एक्सिस है, यहाँ से ब्रांच ओरिजिनेट हुई, यहाँ पर यंगर फ्लावर बना, फिर इसने जो है मज़ीद एक ब्रांच जो है वो ओरिजिनेट करवाई और ये ब्रांच भी एक फ्लावर पर टर्मिनेट हो गई, ठीक है. अब इसने मज़ीद एक ब्रांच ओरिजिनेट करवाई और ये फिर एक जो है फ्लावर पर टर्मिनेट हो गई, यहाँ से मज़ीद एक ब्रांच निकली और ये फिर एक फ्लावर पर टर्मिनेट हो गई. अब हमें क्या नज़र आ रहा है कि हमें हर एक ब्रांच जो है वो मेन एक्सिस से निकलती नज़र आ रही है, ठीक है. मेन एक्सिस ने है जो बेसिकली ओरिजिनेट करवा रहा है ब्रांचेस को, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो हमें नज़र आ रहा है यूनिपेरस या जो हमारे पास स्कॉर्पियोइड या हेलिकॉइड साइम जो हमें नज़र आ रहा है, ये मेन एक्सिस हमें अलग से नज़र आ रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि मेन एक्सिस भी इस तरह से जो है वो बेंड सा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा मेन एक्सिस है और कौन सी ब्रांचेज है. मतलब मेन एक्सिस भी झुक जाएगा, बेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से मेन एक्सिस का हमें पता नहीं चल पाएगा, मेन एक्सिस डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारे पास मेन एक्सिस है वो भी बेंट हो गया है, स्ट्रेट नहीं रहा, जिसको हम क्या कह देंगे, सिम्पोडियम बन गया है. क्या बन गया है? ये सिम्पोडियम बन गया है, और इस तरह की हम जो है इन्फ्लोरिसेंस को कहते हैं सिम्पोडियल साइम, कि जब जो हमारे पास मेन एक्सिस होता है वो स्ट्रेट नहीं रहता, वो भी जो है बेंट हो जाता है, उस केस में हम जो है इन्फ्लोरिसेंस है उसको क्या कहेंगे, सिम्पोडियल साइम, ठीक है, सिम्पोडियल साइन. कि इसके केस में हमने क्या कहा कि जो हमारे पास मेन एक्सिस है वो भी स्ट्रेट नहीं रहता, बल्कि वो भी बेंड कर जाता है, जिसकी वजह से हमें डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता दैट व्हाट इज़ मेन एक्सिस एंड व्हाट इज़ ब्रांचेस, ठीक है. ब्रांचेस और मेन एक्सिस का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं रह पाती. तो यूनिपेरस साइम में हमने क्या कहा कि ऐसा साइम जिसके अंदर हमारे पास एक डॉटर एक्सिस ओरिजिनेट हो, चाहे वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, ओनली वन एक्सिस विल बी ओरिजिनेट, एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ साइमोज इन्फ्लोरिसेंस, दैट इज स्कॉर्पियोइड साइम एंड हेलिकॉइड साइम. स्कॉर्पियोइड और हेलिकॉइड को अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है. स्कॉर्पियोइड साइम को जब अभी बताया कि इसके हमारे पास जो एक्सिस बनते हैं वो अल्टरनेटिव होते हैं, ठीक है. इसमें क्या होता है, न्यू डॉटर एक्सिस डिवेलप्स अल्टरनेटिवली राइट एंड लेफ्ट साइड. एग्जांपल जो है हमारे पास इसकी हेनबेन है, जैसे यहाँ पर आपको मोनोचेजियल साइम में ये जो नज़र आ रहा है ये है आपके पास स्कॉर्पियोइड साइम जो अल्टरनेटिव है, ठीक है. इसमें क्या हो रहा है आपके पास कि ये हमारे पास एक मेन एक्सिस है, फिर वहाँ से ब्रांच ओरिजिनेट हुई. ब्रांच कहाँ से ओरिजिनेट हुई, हमारे पास राइट साइड से ओरिजिनेट हुई, लेकिन ये जो डॉटर ब्रांच है इसकी लेफ्ट साइड से मज़ीद ब्रांच ओरिजिनेट हो रही है, फिर इसकी राइट साइड से, फिर इसकी लेफ्ट साइड से, फिर इसकी राइट साइड से. कि इसमें क्या होता है कि एक बार लेफ्ट साइड से ब्रांच ओरिजिनेट होती है, एक बार राइट से, फिर एक बार लेफ्ट से, फिर एक बार राइट से. तो इसका मतलब है ऑल्टरनेटिव पैटर्न चलता है ब्रांचेस के ओरिजिनेट होने का, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, न्यू डॉटर एक्सिस डिवेलप्स ऑल्टरनेटिवली, कि जो डॉटर एक्सिस बनते हैं वो अल्टरनेटिवली बनते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड पर. और इसकी एग्जांपल है हमारे पास हेनबेन की, ठीक है. हेनबेन इसकी एग्जांपल है. ये हमारे पास क्या है, स्कॉर्पियोइड साइम दैट इज़ अल्टरनेटिव ब्रांचेस, ठीक है. नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करनी है, सेकंड हमारे पास जो टाइप थी साइमोज मोनोचेजियल साइम की, दैट इज़ हेलिकॉइड साइम. हेलिकॉइड जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, हेलिकल लाइक इसका स्ट्रक्चर होगा. हेलिकल लाइक जैसे हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, हेलिक्स होता है हमारे पास, डीएनए हेलिक्स आप उसको बोलते हैं, उसी तरह का इसका भी स्ट्रक्चर होगा कि एक ही एक्सिस से ब्रांचेस ओरिजिनेट होंगी, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, सिर्फ एक ही एक्सिस से ब्रांच ओरिजिनेट होगी. इसमें क्या होगा, इन दिस केस न्यू डॉटर एक्सिस डिवेलप्स ऑन द सेम साइड, कि हमेशा अगर लेफ्ट से ब्रांच ओरिजिनेट हुई थी तो हमेशा लेफ्ट से ही ब्रांचेस मजीद ओरिजिनेट होंगी, कभी भी राइट से नहीं होंगी. तो इसमें आपको जहाँ पर नज़र भी आ रहा है
कि ये मेन एक्सिस था, वहाँ से ब्रांच ओरिजिनेट हुई राइट साइड से। अब इस ब्रांच ने भी जब नई ब्रांच ओरिजिनेट करवानी है तो इसकी भी राइट साइड से ही ओरिजिनेट होगी, फिर इसकी राइट साइड से, फिर राइट साइड से, फिर राइट साइड से, मज़ीद जो ब्रांचेस जितनी भी ओरिजिनेट होंगी वो राइट साइड से ही ओरिजिनेट होती जाएंगी, और इस तरह से एक हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर बनता जाएगा बनता जाएगा। जितनी ब्रांचेज ओरिजिनेट होती जाएंगी वो मज़ीद हेलिक्स को कॉइल करती जाएंगी। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास ब्रांचेज हमेशा सेम साइड से ओरिजिनेट होती हैं, जबकि स्कॉर्पियोइड में हमने क्या कहा कि एक ब्रांच लेफ्ट से ओरिजिनेट होती है, एक राइट से ओरिजिनेट होती है, दैट इज स्कॉर्पियोइड साइम, एंड इन दिस केस ओनली वन साइडेड ओरिजिनेटेड ब्रांचेज। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास बेगोनिया की। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारे पास यूनिपेरस मोनोचेजियल साइम की टाइप्स, जिसमें हमने स्कॉर्पियोइड और हेलिकॉइड को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारे पास साइमोज इन्फ्लोरेसेंस की टाइप्स हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है बाई पेरस और डाइचेजियल साइम। बाई मीन टू, डाई मीन टू, इसका मतलब है ऐसी साइमोज इन्फ्लोरेसेंस जिसके अंदर जो ब्रांचेज हैं वो दो साइड से ओरिजिनेट होंगी, दोनों मतलब लेफ्ट से भी ओरिजिनेट होगी और राइट से भी ओरिजिनेट होगी एट अ टाइम, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाई पेरस या फिर डाइचेजियल साइम कहेंगे। इन दिस केस द मेन एक्सिस एंड्स इन अ टर्मिनल फ्लावर, इट प्रोड्यूसेस टू डॉटर एक्सिस बिलो दिस टर्मिनल फ्लावर। ठीक है, कि ये होगा क्या कि ये मेन एक्सिस है, ये टर्मिनेट हो गया फ्लावर पर, अब इसने जो है वो दोनों साइड से ब्रांचेस को ओरिजिनेट करवाना है, यहाँ से भी ब्रांच ओरिजिनेट होगी लेफ्ट साइड से भी और यहाँ राइट साइड से भी ब्रांच ओरिजिनेट होगी, और ये किस में टर्मिनेट हो जाएंगे, ये फिर फ्लावर पर टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, कि द डॉटर एक्सिस अगेन एंड्स इन अ फ्लावर एंड ईच गिव टू न्यू डॉटर एक्सिस, कि अब ये जो ब्रांचेज हैं ये मज़ीद दो एक्सिस बनाएंगी इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है मैंने रफ सा स्केच बनाया है कि हर जो ब्रांच है मेन एक्सिस पहले दो ब्रांचेज बनाएगा, फिर जो ब्रांचेज हैं वो मज़ीद दो सब ब्रांचेज बनाएंगी, इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ये सेवरल टाइम्स रिपीट होगा। ठीक है, सम टाइम वन ऑफ द टू ब्रांचेज सप्रेस एट द सेम पॉइंट, सम टाइम क्या होता है कि जो एक या दो ब्रांचेज होती हैं वो सप्रेस कर जाती हैं, जिसकी वजह से जो बाई पेरस साइम है वो हमें यूनिपेरस नज़र आने लग जाता है। ठीक है, कि हो सकता है कि ये वाली जो ब्रांच है ये सप्रेस हो जाए, ओरिजिनेट ना हो, तो अगर एक साइड से ही सिर्फ ये वाली ओरिजिनेट हो रही है तो हमें क्या लगेगा कि हमें लगेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ यूनिपेरस साइम है, जबकि ये बाईपेरस होता है कि जो ब्रांच है वो सप्रेस हो जाती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसमें हमारे पास आइपोमिया एग्जाम्पल होती है और एक है स्ट्रॉबेरी। ठीक है बेटा, इसमें हमने क्या डिस्कस किया, इसमें हमने कहा कि ऐसी साइमोज इन्फ्लोरिसेंस जिसके अंदर हमारे पास दो ब्रांचेज ओरिजिनेट होती हैं मेन एक्सिस से और फिर मज़ीद ब्रांचेज ओरिजिनेट होती रहती हैं, उसको हमने बाईपेरस का नाम दिया या डाइचेजियल साइम का नाम दिया। ये आपको डाइचेजियल साइम की डायग्राम भी यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, ये मेन एक्सिस है जो कि टर्मिनेट हो गया फ्लावर पर, ये उसकी ब्रांचेज निकल रही हैं यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये वाली ब्रांच भी निकल रही है, मतलब दोनों साइड से ब्रांचेज निकल रही हैं और ये दोनों ब्रांचेज टर्मिनेट हो गई हैं फ्लावर पर। अब ये ब्रांच मज़ीद जो है वो डॉटर एक्सिस बनाएगी, यहाँ से भी बना रही है। ठीक है, अब ये वाली जो है वो मज़ीद डॉटर एक्सिस बना रही है, मतलब डाइचेजियल साइम है, दोनों तरफ से ब्रांचेज ओरिजिनेट हो रही हैं, इस तरह यहाँ से भी बनेंगी यहाँ से भी बनेंगी, तो इस तरह जितनी भी ब्रांचेज ओरिजिनेट होंगी मज़ीद दो ब्रांचेज को ओरिजिनेट करवाती जाएंगी, और इस तरह से हमारे पास डाइचेजियल या जो हमारे पास बाईपेरस साइम है वो ओरिजिनेट हो जाएगा, जिसको हमने कहा कि हमारे पास एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी की। नेक्स्ट जो हमारे पास है पॉलीचेजियल साइम है, पॉली मीन्स मैनी, तो इसमें क्या होगा कि जो ब्रांचेज हैं वो बहुत दो से ज़्यादा ओरिजिनेट होंगी, तीन हो जाएंगी चार हो जाएंगी। इन दिस केस मेन एक्सिस एंड्स इन अ फ्लावर एंड प्रोड्यूस अ वर्ल ऑफ थ्री और मोर डॉटर एक्सिस, के वर्ल एक दायरे की शक्ल में जो है वो तीन से ज़्यादा ब्रांचेज जो हैं वो ओरिजिनेट होंगी, जिसकी एग्जांपल है हमारे पास यूफोरबिया की, कि हमारे पास जो ब्रांचेज हैं वो सिमिलर वे में मज़ीद ब्रांचेज को ओरिजिनेट करवाती जाएंगी और ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास पॉलीचेजियल साइम है, ये मेन एक्सिस था, ये एंड हो गया टर्मिनल फ्लावर पर, इसने तीन ब्रांचेज को ओरिजिनेट करवाया। ठीक है, तीन ब्रांचेज ओरिजिनेट की और ये हमारे पास जो मज़ीद ब्रांचेज ओरिजिनेट करवा हो रही हैं ये मज़ीद तीन ब्रांचेज को ओरिजिनेट करवाती जाएंगी और ये प्रोसेस हमारे पास रिपीट होता जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारे पास साइमोज इन्फ्लोरेसेंस की टाइप्स। लास्ट हमारे पास रह गया है साइमोज हेड। ठीक है, साइमोज हेड जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, हेड हम उसको कहते हैं कि जिसमें मेन एक्सिस होता है वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, अगर मेन एक्सिस इस तरह से मौजूद था हमारे पास वर्टिकल, इसके केस में क्या होता है कि मेन एक्सिस फ्लैट हो जाता है और एक रिसेप्टिकल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है और यहाँ से जो है वो फ्लावर्स ओरिजिनेट होते हैं, कि जो मेन एक्सिस है वो फ्लैट हो गया है इन द फॉर्म ऑफ रिसेप्टिकल एंड द फ्लावर्स आर ओरिजिनेटेड इन द रिसेप्टिकल। द कम्पैक्ट ग्लोबोज इन्फ्लोरेसेंस हैविंग ग्रुप ऑफ
सीजाइल स्कॉर्पियोइड साइम। सीजाइल मतलब जिसके जो हमारे पास जो हमारे पास पेडिसल हैं वो मौजूद नहीं होंगे, बल्कि डायरेक्ट जो है फ्लावर्स वहाँ से ओरिजिनेट हो रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है मैं डायरेक्ट फ्लावर बना दूँ, इसकी पेडिसल मौजूद ना हो, ठीक है, ये फ्लावर है और ये इसका फ्लैटेंड रिसेप्टिकल है। अब किस तरह से होंगे सीजाइल स्कॉर्पियोइड साइम? स्कॉर्पियोइड मतलब ऑल्टरनेटिव, एक साइड से लेफ्ट साइड से ओरिजिनेट होगा, फिर राइट साइड से, फिर लेफ्ट साइड से, फिर राइट साइड से। तो इस तरह से हमारे पास जो इन्फ्लोरिसेंस आएगी वो हमारे पास साइमोज हेड की सूरत में आएगी। इन दिस केस फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स और क्लस्टर्स, के ग्रुप्स और क्लस्टर्स की सूरत में जो है वो फ्लावर्स ओरिजिनेट हुए होंगे। जैसे यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि एक लेफ्ट साइड से ब्रांच ओरिजिनेट हो रही है, एक राइट साइड से, एक लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से। तो इस तरह से हमारे पास ये साइमोज हेड भी मौजूद है, ठीक है बेटा। तो इसमें जो मेन एक्सिस है वो फ्लैट हो गया है, ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर इसने बना दिया और दोनों तरफ से ब्रांचेस ओरिजिनेट हो रही हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, साइमोज हेड कहेंगे। और ये थी हमारे पास साइमोज इनफ्लोरिसेंस की टाइप्स। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमने कंपाउंड इन्फ्लोरिसेंस को डिस्कस करना है। कंपाउंड इन्फ्लोरिसेंस मतलब जिसमें जो है वो एक से ज़्यादा इन्फ्लोरिसेंस मौजूद होंगी, उसको हमने कंपाउंड इन्फ्लोरिसेंस का नाम दिया। मतलब मेन एक्सिस पर तो इन्फ्लोरिसेंस होगी ही, बल्कि ब्रांचेस पर भी जो है वो एक तरतीब पाई जाएगी फ्लावर्स की, उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड इन्फ्लोरिसेंस कहेंगे। और इसमें बिल्कुल वही टाइप्स हैं जो हमने रेसिमोज इन्फ्लोरिसेंस में डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, उसी को हमने दोबारा से जो है वो कंपाउंड की सूरत में डिस्कस करना है। दिस इन्फ्लोरिसेंस इन विच द मेन एक्सिस इज ब्रांच्ड एंड बियर्स फ्लावर्स, कि मेन एक्सिस ब्रांच्ड है और इसके ऊपर फ्लावर्स ओरिजिनेटेड हैं, एंड बियर्स फ्लावर्स इन द सेम मैनर इज कॉल्ड कंपाउंड इन्फ्लोरिसेंस, कि जो मेन एक्सिस है, फॉर एग्जांपल ये मेन एक्सिस था, इसने अगर दो ब्रांचेस ओरिजिनेट करवाई हैं तो इसका मतलब है ये जो ब्रांचेस हैं इससे भी दो ब्रांचेस ओरिजिनेट होंगी। इस तरह से जो मेन एक्सिस जिस तरह से भी ब्रांच होगा, चाहे वो रेसिमोजली ब्रांच्ड हो, चाहे वो साइमोजली ब्रांच्ड हो, मेन एक्सिस जिस तरह से ब्रांच्ड होगा उसी तरह से जो ब्रांचेज हैं वो भी मज़ीद ब्रांचेस बनाएंगी, ठीक है। द कंपाउंड, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है कंपाउंड रसीम और रसीम ऑफ रसीम्स, ठीक है। कंपाउंड रसीम में क्या होता है कि इसमें बेसिकली हमारे पास जो हमारे पास इन्फ्लोरिसेंस होती है वो रसीम टाइप की होती है, रेसिमोज इन्फ्लोरिसेंस होती है, जिसके अंदर जो ओल्डर फ्लावर्स हैं वो बेस पर मौजूद होते हैं और ये यंगर फ्लावर्स हैं वो अपेक्स पर मौजूद होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने एक्रोपिटल सक्सेशन पढ़ी थी रेसिमोज इन्फ्लोरिसेंस में, तो इसमें हमने वही कहा है कि जो हमारे पास जो ओल्डर फ्लावर होंगे वो लेटरल साइड्स पर होंगे और जो हमारे पास यंगर फ्लावर्स होंगे वो अपेक्स पर मौजूद होंगे। इन दिस केस मेन एक्सिस इज रेसिमोजली ब्रांच्ड एंड द ब्रांचेस डिवेलप पेडिसिलेट फ्लावर्स, पेडिसिलेट फ्लावर्स मौजूद होंगे इन अ रेसिमोज मैनर, ठीक है। रेसिमोज मैनर में क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो मेन एक्सिस है, ये इससे ब्रांचेस ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है। ये जो ब्रांचेस हैं इसके ऊपर ओल्डर फ्लावर्स मौजूद होंगे, ठीक है, सॉरी, ये जो है हमारे पास इसके ऊपर ओल्डर फ्लावर्स मौजूद हैं और ये जो हमारे पास अपेक्स है इस पर हमेशा जो है वो न्यूली फॉर्म फ्लावर बनेगा। इसी तरह से ये जो ब्रांचेज हैं ये मज़ीद ओरिजिनेट करवाती जाएंगी जो है वो चीज़ों को, जिस तरह से हमारे पास अपेक्स पर हमेशा यंगर फ्लावर होगा और जो हमारे पास बेस है उस पर हमेशा ओल्डर फ्लावर मौजूद होगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास रेसीम इन्फ्लोरिसेंस कंपाउंड, जिसको हमने कहा। और इसके बाद है हमारे पास कंपाउंड स्पाइक और स्पाइक। इस केस में क्या होता है कि हमारे पास जो मेन एक्सिस होता है उस पर हमेशा ऐसे फ्लावर्स बियर करते हैं जिनके ऊपर पेडिसल मौजूद नहीं होता, मतलब डायरेक्टली जो है वो मेन एक्सिस के साथ फ्लावर्स अटैच होते हैं। द मेन एक्सिस ऑफ द इन्फ्लोरिसेंस बियर स्मॉल स्पाइक और स्पाइकलेट्स। स्पाइकलेट्स किसे कहते हैं कि जिसके केस में फ्लावर्स झड़ जाते हैं, दो तीन फ्लावर मौजूद होते हैं बाकी सारे झड़ जाते हैं, तो उसको भी आप स्पाइकलेट कहते हैं, कि ये मेन एक्सिस है उसके ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो डायरेक्टली मेन एक्सिस के साथ ही अटैच हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे, सीजाइल फ्लावर्स कहेंगे, ठीक है। और इस पर हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है वीट और बारले की एग्जांपल इसके हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है कंपाउंड इन्फ्लोरिसेंस की टाइप। हमारे पास है कंपाउंड अम्बल और अम्बल ऑफ अम्बल्स। अम्बल को आप लोगों ने जो है पीछे भी डिस्कस किया था जब हम रेसिमोस इन्फ्लोरिसेंस को डिस्कस कर रहे थे। अम्बल में हमने कहा था कि एक ही पॉइंट से जब बहुत सारे फ्लावर्स ओरिजिनेट हो रही होंगी, बहुत सारी पेडिसल्स ओरिजिनेट हो रही होंगी, उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप अम्बल कहेंगे। जैसे यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये मेन एक्सिस है, उसकी अपेक्स से जो है वो मेन बहुत सारी ब्रांचेस ओरिजिनेट हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि एक ही पॉइंट है जहाँ से सारी ब्रांचेस ओरिजिनेट हो रही हैं, इसको आपने क्या नाम दिया था, इसको आपने अम्बल का नाम दिया था। अब हमारे पास जो नाम में चेंज आया है दैट इज़ कंपाउंड अम्बल। इसमें क्या होगा कि जो ब्रांचेज हैं वो मज़ीद सब ब्रांचेज को ओरिजिनेट करवाएंगी और वो भी एक ही पॉइंट से,
ठीक है, एक ही पॉइंट से मजीद सब ब्रांचेज ओरिजिनेट होंगी, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक तो मेन एक्सिस था जहाँ से एक ही पॉइंट से मजीद सब ब्रांचेज ओरिजिनेट हुई। अब ये जो हमारे पास ब्रांच है ये मजीद सब ब्रांचेज को ओरिजिनेट करवाएगा फ्रॉम द सेम पॉइंट, दिस इज़ कॉल्ड कंपाउंड अम्बल। ब्रांचेज ब्रांच अम्बल इज़ कॉल्ड कंपाउंड अम्बल, द ब्रांचेज अराइज फ्रॉम द मेन एक्सिस कॉल्ड द प्राइमरी अम्बल। ठीक है, कि ये जो मेन एक्सिस से ओरिजिनेट हो रही हैं, ये वाली जो आपको बड़े वाली नज़र आ रही है इसको आप क्या कहेंगे, प्राइमरी अम्बल कहेंगे, और ये जो आपके पास बाद में आपको नज़र आ रही हैं सब ब्रांचेज जो नज़र आ रही हैं इसको आप क्या कहेंगे, सेकेंडरी अम्बल कहेंगे या फिर पार्शियल अम्बल भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसकी हमारे पास एग्जांपल होती है कैरेट के प्लांट में ये मौजूद होती है। ठीक है, इसके अंदर ब्रैक्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, कि जहाँ से ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं वहाँ पर ब्रैक्स पाए जाते हैं, और ये जो ब्रैक्स हैं ये इनवोलूकर्स बनाते हैं। इनवोलूकर क्या होता है कि कवरिंग बना देते हैं। ठीक है, कवरिंग जो है आपको जो नज़र आ रही होगी यहाँ पर इस केस में, ठीक है, कि ये जो आपको बड़ी सारी जो कवरिंग नज़र आ रही है इसको आप क्या कहेंगे, इनवोलूकर कह सकते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड अम्बल में हमने क्या डिस्कस किया, हमने कहा कि ऐसी इन्फ्लोरिसेंस जिसके अंदर जो ब्रांचेज हैं वो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही होंगी मेन एक्सिस के, और जो ब्रांचेज हैं वो मजीद सब ब्रांचेज को ओरिजिनेट करवा रही होंगी फ्रॉम द सेम पॉइंट, जिसके हमने कंपाउंड अम्बल या फिर अम्बल ऑफ अम्बल्स का नाम दिया। और ये आपको जो नज़र आ रहा है ये आप रिसेप्टिकल जो है फ्लैटन नज़र आ रहा है जिसको हमने हेड में पढ़ा था। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है, हमारे पास है कंपाउंड कोरिम और कोरिम एट कोरिम्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ब्रांच कोरिम इज़ कॉल्ड कंपाउंड कोरिम, ब्रांच कोरिम। अब कोरिम एक्चुअली में क्या होता है इसको हमने पीछे भी डिस्कस किया था, रिपीट कर लेते हैं कि ब्रांचेस जो हैं वो मेन एक्सिस बेसिकली शॉर्ट होता है, और जो ब्रांचेस ओरिजिनेट हो रही होती हैं वो उसका पेडिसल लार्जर होता है। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो मेन एक्सिस है ये शॉर्टर है, जबकि जो ब्रांचेस ओरिजिनेट हो रही हैं उनका पेडिसल लॉन्गर है, तो इसको आप क्या कहेंगे, कोरिम कहेंगे। ये आपके पास सिंपल कोरिम है और ये आपके पास कंपाउंड कोरिम है जिसके अंदर मेन एक्सिस तो कोरिम बना ही रहा है बल्कि ब्रांचेस भी कोरिम बना रही हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे, ब्रांच्ड कोरिम कहेंगे या कंपाउंड कोरिम भी कह सकते हैं। और इसकी एग्जाम्पल है आपके पास कॉलीफ्लावर की, ठीक है, फूल गोभी जिसे आप कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने कहा कि पेडिसल्स आर लॉन्गर दैन द मेन एक्सिस। एंड नेक्स्ट वन इज़ कंपाउंड स्पेडिक्स। स्पेडिक्स को हमने जो है पीछे डिस्कस किया था, उसमें हमने कहा था कि ऐसी इन्फ्लोरिसेंस जिसके अंदर मेन एक्सिस जो है वो थिक और फ्लैशी होता है, मेन एक्सिस इज थिक एंड फ्लैशी। अब हम इस केस में क्या कहेंगे, द ब्रांच्ड मेन एक्सिस ऑफ द स्पेडिक्स इज कॉल्ड कंपाउंड स्पेडिक, के जब मेन एक्सिस जो है वो ब्रांच होता है और जो ब्रांचेज हैं वो मजीद सब ब्रांचेज बनाती हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्रांच्ड स्पेडिक्स कहेंगे या फिर कंपाउंड स्पेडिक्स भी कह सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है दैट इज़ पाम। ठीक है, यहाँ पर जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक है, इसके आपकी एग्ज़ाम्पल है पाम की। ठीक है, पाम की एग्ज़ाम्पल आपके पास कंपाउंड स्पेडिक्स के अंदर आ जाती है जिसके अंदर मेन एक्सिस थिक एंड फ्लैशी। कंपाउंड कैपिचुलम, ठीक है, कैपिचुलम को हमने पीछे डिस्कस किया था, दैट इज़ द मेन एक्सिस इज़ फ्लैटेंड एंड फॉर्म अ रिसेप्टिकल फ्रॉम विच फ्लावर्स आर ओरिजिनेटेड, कि मेन एक्सिस फ्लैट हो जाता है, रिसेप्टिकल बना देता है जिससे मजीद सब ब्रांचेज ओरिजिनेट होती हैं। इन दिस केस ईच कैपिचुलम कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी कैपिचुलम, के एक मेन एक्सिस जो है वो रिसेप्टिकल बनाता है और जो फ्लावर ओरिजिनेट होंगे उसकी जो है वो रिसेप्टिकल फिर फ्लैट हो जाएगी जिससे मजीद सब ब्रांचेज ओरिजिनेट होंगी। यहाँ से फ्लावर्स ओरिजिनेट होगा उसकी रिसेप्टिकल भी फ्लैट हो जाएगी, इस तरह से जो ब्रांचेज ओरिजिनेट होती जाएंगी वो मजीद सब ब्रांचेज बनाती जाएंगी, जिसको हमने कंपाउंड कैपिचुलम का नाम दिया है, और जिसमें हमारे पास एग्जांपल है वर्कोनिका प्लांट की। ठीक है, वेरोनिका प्लांट एक हमारे पास होता है फ्लावरिंग प्लांट जिसके अंदर ये कंपाउंड कैपिचुलम मौजूद होता है। ठीक है बेटा, इसमें हमने क्या कहा कि ऐसी ब्रांचेज, ऐसी इन्फ्लोरिसेंस जिसके अंदर ब्रांचेज जो हैं वो मजीद सब ब्रांचेज बनाती हैं, मजीद ब्रांचेज बनाकर हम उसको कंपाउंड का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था कंपाउंड की एग्जांपल्स आ गई। नेक्स्ट वन इज़ मिक्स्ड इन्फ्लोरिसेंस। मिक्स्ड इन्फ्लोरिसेंस जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, ऐसी इन्फ्लोरिसेंस जिसके अंदर रेसिमोज इन्फ्लोरिसेंस भी पाई जाए और साइमोज इन्फ्लोरिसेंस भी पाई जाए, दोनों जो है वो मिक्स हो जाएँ, उसको हम मिक्स्ड इन्फ्लोरिसेंस का नाम देंगे। द इन्फ्लोरिसेंस इन विच बोथ रेसिमोज एंड साइमोज ब्रांचिंग अकर इज कॉल्ड मिक्सड इन्फ्लोरिसेंस। इट हैज़ फॉलोइंग फॉर्म्स, जिसकी हमारे पास जो है वो दो से तीन जो है वो चार पाँच टाइप्स हैं, इसको हम जो है वो थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट्स। ठीक है, पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, इन दिस केस स्पाइकलेट्स आर अरेंज्ड ऑन अ पेनिकल। अब पेनिकल क्या होता है?
ठीक है, इरेगुलरली ब्रांच्ड जो मेन एक्सिस होता है उसको हम पेनिकल का नाम देते हैं, जिसकी कोई जो है वो प्रॉपर रेगुलेशन नहीं होती, इसकी जो है प्रॉपर जो है वो सीक्वेंस नहीं होता, उसको हम इरेगुलरली ब्रांच्ड पेनिकल का नाम देते हैं। ठीक है, इस पेनिकल में क्या होगा, स्पाइकलेट्स आर अरेंज्ड। ठीक है, स्पाइकलेट्स मतलब ऐसे फ्लावर्स अरेंज होंगे जिनके अंदर पेडिसल एब्सेंट होगा, और उसमें से भी ज़्यादातर जो फ्लावर्स हैं वो झड़ जाएंगे, दो तीन प्रेजेंट होंगे, तो उसको आप स्पाइकलेट्स का नाम दे देंगे। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास ओट की। नेक्स्ट हमारे पास है रेसीम ऑफ साइम, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है इसके अंदर रेसीमोज इन्फ्लोरिसेंस भी पाई जाएगी और साइमोज इन्फ्लोरिसेंस भी मौजूद होगी। इसके अंदर क्या है, इन दिस केस पेयर्ड सेकेंडरी एक्सिस स्टार्ट एज बाईपेरस, बाईपेरस साइम के तौर पर स्टार्ट होगा, मतलब एक मेन एक्सिस है तो उससे दो ब्रांचेस निकलेंगी, लेकिन बाद में वो क्या हो जाएगा कि वो यूनिपेरस बन जाएगा, कि फॉर एग्जांपल ये था मेन एक्सिस, ठीक है, मेन एक्सिस था, यहाँ से जो ब्रांच ओरिजिनेट हुई, दो ब्रांचेस ओरिजिनेट हुई जिसको हमने बाईपेरस का नाम दिया, लेकिन बाईपेरस के बाद ये क्या होगा, ये सिर्फ यूनिपेरस बन जाएगा, ठीक है, यूनिपेरस बन जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेसीम ऑफ साइम, के जिसके अंदर पहले जो हमारे पास इन्फ्लोरिसेंस थी वो बाईपेरस थी, बाद में यूनिपेरस हो गई, तो हमारे पास जो वर्ल ऑफ फ्लावर बने उसके अंदर, उसको हम वर्टिकेलेस्टर का नाम भी दे देते हैं, जिसको हम आगे जो है वो पढ़ेंगे, तो ये बिल्कुल वर्टिकेलेस्टर जैसी ही टाइप है जिसको हम स्पेशल इन्फ्लोरिसेंस के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसी एग्जाम्पल है हमारे पास ओसीमम की या फिर साल्विया की। नेक्स्ट इज रेसीम ऑफ कैपिचुला, मतलब इसके अंदर हेड मौजूद होगा लेकिन वो रेसीमोजली ब्रांच्ड होगा। इन दिस केस मेन एक्सिस इज ब्रांच्ड इन अ रेसीमोज मैनर एंड ईच ब्रांच टर्मिनेट्स इन अ कैपिचुलम, कि हमारे पास जो मेन एक्सिस है वो ब्रांच्ड होगा और हर जो ब्रांच है वो कैपिचुलम के तौर पर एंड होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर ये मेन एक्सिस है, यहाँ से ब्रांचेस ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है, ये ब्रांचेस निकली, अब ये जो ब्रांचेस पर फ्लावर्स होंगे वहाँ पर जो है वो मेन एक्सिस जो है वो फ्लैट हो जाएगा और एक हेड लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। हेड लाइक मतलब जहाँ से रिसेप्टिकल जो है वो रिसेप्टिकल बन जाएगा और जहाँ से फ्लावर्स जो है वो ओरिजिनेट होंगे हेड की सूरत में, उसको आप कैपिचुला का नाम दे देंगे। और इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास एरीगेरोन की, जो हमारे पास प्लांट होता है। इसके बाद कंपाउंड अम्बल ऑफ साइथिया, कंपाउंड अम्बल ऑफ साइथिया, इसमें साइथिया क्या होता है, साइथिया क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो फ्लावर की फ्लावर्स जितने सारे होते हैं लेकिन हमें सिर्फ एक फ्लावर की तौर पर वो नज़र आ रहा होता है, मतलब देर इज़ अ बंडल ऑफ फ्लावर बट लुक लाइक वन फ्लावर। ठीक है, कि ग्रुप ऑफ फ्लावर्स मौजूद होते हैं साइथिया के केस में, एक्चुअली ग्रुप ऑफ फ्लावर होते हैं लेकिन हमें वो दिखने में सिर्फ एक फ्लावर लग रहा होता है, उसको आप क्या कहते हैं, साइथिया कहते हैं। इस केस में क्या होता है, साइथिया आर अरेंज्ड इन अम्बलेट मैनर, कि जितने भी हमारे पास साइथिया होंगे वो अम्बलेट मैनर में अरेंज होंगे। अब अम्बल क्या होता है, आपको पता है कि जब मेन एक्सिस से फ्लावर सिर्फ एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होगा तो उसको आप अम्बल का नाम देते हैं, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स हैं वो अम्बलेट मैनर में अरेंज होंगे, जो हमें सिर्फ एक जो है फ्लावर के तौर पर नज़र आ रहे होंगे, बट एक्चुअली देयर आर नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप। ठीक है, इसको आप कंपाउंड अम्बल ऑफ साइथिया का नाम देंगे। और इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है यूफोर्बिया हेलियोस्कोपिया की। ठीक है बेटा, ये जो एग्जांपल्स हैं आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है, कौन किसकी एग्जांपल कहाँ पर आ रही है, तो आप लोगों ने ये एग्जांपल्स अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट इज़ पेनिकल ऑफ शॉर्ट साइम, पेनिकल हमने अभी डिस्कस किया कि पेनिकल ऐसी जो है ब्रांच है जो इरेगुलर होती है, इट इज़ वेरी डेंस एंड रेगुलर इन शेप। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड थायरसस। ठीक है, कि ऐसी जो है वो पेनिकल ऑफ शॉर्ट साइम की, इसके अंदर हमारे पास जो ब्रांच एक्सिस होता है वो कहीं तक किसी हद तक जो है वो रेगुलर हो जाता है, डेंस हो जाता है, और इसको हम थायरसस का नाम भी देते हैं, और ये हमारे पास वाइन के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट में हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर जो हमारे पास ब्रांचेस होंगी वो पेडिसिलेट नहीं होंगी बल्कि सिजाइल होंगी, फ्लावर्स सिजाइल होंगे। रेसीम ऑफ साइम में हमने डिस्कस किया कि पहले तो बाईपेरस साइम मौजूद होगा लेकिन बाद में यूनिपेरस बन जाएगा। इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि जो मेन एक्सिस है वो कैपिचुला बनाएंगे ब्रांचेस के साथ। इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि जो हमारे पास साइथिया है, साइथिया मतलब ग्रुप ऑफ फ्लावर्स जो है वो अम्बलेट मैनर में अरेंज होंगे। अम्बलेट मैनर मतलब ऐसा मैनर जिसके अंदर फ्लावर्स जो हैं वो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हुए नज़र आएंगे। और पेनिकल ऑफ शॉर्ट साइम में हमने डिस्कस किया कि जो मेन एक्सिस है वो किसी हद तक रेगुलर हो जाएगा और एक स्ट्रक्चर बना देगा जिसको हम थायरसस का नाम देंगे। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल हमारे पास थी वाइन की। नेक्स्ट, ये आपको जो है वो नेक्स्ट हमें जो नज़र आ रही है स्पेशल इन्फ्लोरिसेंस, जो कि हमारे पास लास्ट टाइप है इन्फ्लोरिसेंस की। स्पेशल इन्फ्लोरिसेंस ऐसी इन्फ्लोरिसेंस है जिसको ना तो हम रेसीमोज में रख सकते हैं और ना ही साइमोज में रख सकते हैं, उसको हम स्पेशल इन्फ्लोरिसेंस का नाम देते हैं। इन सम इन्फ्लोरिसेंसेज
डॉटर एक्सिस आर सप्रेस्ड, डॉटर एक्सिस सप्रेस हो जाते हैं. सो द फ्लावर्स आर क्राउडेड टुगेदर इन द सेवरल ग्रुप्स. ठीक है कि फ्लावर जो है वो क्राउड हो जाते हैं लेकिन हमें सिर्फ एक सिंगल फ्लावर के तौर पर वो नज़र आ रहे होते हैं. इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमाइन दैट ए टाइप ऑफ इन्फ्लोरिसेंस इन देम, कि हमें पता नहीं चल रहा होता कि हम उसको डिटरमाइन ही नहीं कर सकते कि चाहे वो रेसिमोजली ब्रांच्ड है या वो साइमोजली ब्रांच्ड है, क्योंकि उनके अंदर पेडिसल तो होती नहीं है. वो क्राउडेड हो जाते हैं एक ही जगह पर, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, स्पेशल इन्फ्लोरिसेंस का नाम देते हैं. और स्पेशल इन्फ्लोरिसेंस की हमारे पास जो है वो तीन टाइप्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारे पास साइथियम, देन इज़ वर्टिकेलेस्टर, एंड देन इज़ द अम्बलेट साइमोज हेड. इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले है हमारे पास साइथियम. साइथियम को भी हम पीछे जो है वो डिस्कस भी कर चुके हैं. हमने कहा कि ऐसी इन्फ्लोरिसेंस जिसके अंदर जो फ्लावर्स हैं वो ग्रुप की सूरत में एक्चुअली मौजूद होते हैं, क्लस्टर की सूरत में मौजूद होते हैं, बट लुक लाइक वन फ्लावर, के होते हैं ग्रुप में हैं लेकिन हमें सिर्फ एक फ्लावर के तौर पर नज़र आ रहे होते हैं. ठीक है, इसमें हमें क्या है, इट लुक लाइक अ सिंगल फ्लावर बट इट इज़ इन्फ्लोरिसेंस. मेन एक्सिस आर रिड्यूस्ड इन इट, कम्प्लीटली सप्रेशन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स अकर इन इट. कि सेपल्स और पेटल्स कम्प्लीटली रिड्यूस होते हैं और ये रियलिटी में हमें जो है वो एक्चुअली में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं लेकिन हमें दिखने में सिर्फ एक फ्लावर नज़र आ रहा होता है. ठीक है, मेन एक्सिस एंड्स इन अ सेंट्रल रिड्यूस्ड फीमेल फ्लावर. मेन एक्सिस जो है वो ये हमारे पास जो है वो सेंट्रल रिड्यूस्ड फीमेल फ्लावर बनाता है, और जो हमारे पास इसके अंदर इर्द गिर्द जो हैं वो मेल फ्लावर्स बनते हैं. मेल फ्लावर्स मतलब हमारे पास जो स्टेमन्स हैं वो बनते हैं, और ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो एक कवरिंग में बंद होता है जिसको आप इन्वोलूकर का नाम देते हैं. ठीक है, और इसके अंदर जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो साइमोजली ब्रांच्ड होते हैं. साइमोजली मतलब जिसके अंदर हमने जो है वो स्कॉर्पियोइड साइम, जिसमें हमने अल्टरनेटिव फॉर्म को डिस्कस किया था, तो ये जो मेल फ्लावर्स होते हैं ये स्कॉर्पियोइड फॉर्म में अरेंज होते हैं, और जो फीमेल फ्लावर होता है वो सिर्फ एक होता है और वो राइपन्स हो जाता है पहले, जबकि जो मेल फ्लावर्स हैं वो बाद में राइप होते हैं. ठीक है, और इसकी एग्जांपल आपके पास जो होती है दैट इज़ यूफोर्बिया हेलोस्कोपिया. जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये जो इसकी कवरिंग है इसको आप क्या नाम देंगे, ये इन्वोलूकर है, जो कि कप ऑफ इन्वोलूकर जिसको आप कह सकते हैं. और ये आपके पास पेडिसल है फीमेल फ्लावर की, ये फीमेल फ्लावर जो है वो बड़ा आपको नज़र आ रहा है, और जो मेल फ्लावर है बहुत सारे मेल फ्लावर्स मौजूद होते हैं. तो इसका मतलब है ये आपको लग तो एक फ्लावर है, ये एज अ होल आपको एक फ्लावर लग रहा है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स मौजूद हैं, और मेल फ्लावर जो है वो सराउंडेड होते हैं फीमेल फ्लावर के इर्द गिर्द, और वो साइमोजली ब्रांच्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्कॉर्पियोइड साइम. जैसे कि यहाँ पर भी आपको ये फीमेल फ्लावर नज़र आ रहा है. ठीक है, ये फीमेल फ्लावर है और ये छोटे छोटे जो आपको नज़र आ रहे हैं दैट इज़ मेल फ्लावर, और इसके अंदर जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो कम्प्लीटली रिड्यूस हुई होती हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास थी साइथियम, जिसके अंदर हमने कहा कि हमारे पास ग्रुप ऑफ फ्लावर्स या क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स मौजूद होते हैं बट लुक लाइक सा वन फ्लावर. नेक्स्ट वन इज़ वर्टिकेलेस्टर. ठीक है, वर्टिकेलेस्टर की हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया, उसके अंदर हमने कहा कि इसके अंदर हमारे पास दो तरह की साइमोज इन्फ्लोरिसेंस मौजूद होती हैं. पहले जो है हमारे पास ब्रांच जो ब्रांच मेन एक्सिस जो है वो बाईपेरसली ब्रांच्ड होता है, देन इट विल टर्न इनटू यूनिपेरस साइम. ठीक है, पहले बाईपेरस मतलब दोनों तरफ से ब्रांचेस ओरिजिनेट होंगी, देन ओनली फ्रॉम वन साइड, दिस इज कॉल्ड वर्टिकेलेस्टर. इन दिस केस ब्रैक्ट इन द फ्लोरल रीजन आर ओपोजिट. ठीक है, ब्रैक्ट्स जो है वो ओपोजिट रीजन में मौजूद होती हैं. ईच ब्रैक्ट हैज़ अ क्लस्टर ऑफ सिजाइल फ्लावर इन इट्स एक्सिस. कि हमने क्या कहा कि अगर ब्लैक फॉर एग्जांपल ये मेन एक्सिस है, अगर ब्रैक्ट्स दोनों साइड्स पर मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, तो इसका मतलब है दोनों साइड से ब्रांचेज ओरिजिनेट होंगी. ठीक है, कि दोनों साइड से ब्रांचेज ओरिजिनेट होंगी, यहाँ से भी ओरिजिनेट होगी, यहाँ से भी ओरिजिनेट होगी, जिसको आप क्या कह देंगे कि ये बाईपेरस साइम बन गया है. ठीक है, यहाँ से टर्मिनेट हो जाएंगे फ्लावर पर. अब ये क्या हो गया, इसको हमने क्या कह दिया, ये बाईपेरस साइम है, ये ब्रांचेस जो है मज़ीद बाईपेरस साइम बनाती हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो ये मज़ीद टर्मिनेट हो जाती हैं फ्लावर पर. ठीक है, ये जो है वो टर्मिनेट हो गई फ्लावर पर. अब इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास बाईपेरस साइम है, लेकिन बाद में क्या होगा कि ये जो बाईपेरस साइम है ये टर्मिनेट हो जाएगा यूनिपेरस साइम में. अब जो ब्रांचेस ओरिजिनेट होंगी वो यूनिपेरस होंगी. ठीक है, यूनिपेरस जैसे कि यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, अब जो है वो स्कॉर्पियोइड साइम बन रहा है, मतलब यूनिपेरस साइम बन रही है, मतलब एक ही साइड से ब्रांचेस ओरिजिनेट हो रही हैं. पहले बाईपेरस था, अब क्या हो गया है, यूनिपेरस. तो इसमें यही लिखा हुआ है, ईच ब्रैक्ट हैज़ अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स इन इट्स एक्सिस. के मेन एक्सिस से दो ब्रांचेस निकले, दोनों साइड्स पर जो है वो क्लस्टर्स निकले. द टू क्लस्टर्स एट द नोड फॉर्म वर लाइक अरेंजमेंट कॉल्ड वर्टिकेलेस्टर. के जो हमारे पास
बाई पेरेसाइम होगा, उसमें ये क्या हो जाएगा कि एक ब्रांच जो है वो सप्रेस हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास बाई पेरेस यूनी पेरेस में तब्दील हो जाएगा कि सप्रेशन ऑफ वन और टू ब्रांचेज अकर्स इन इट एंड इट बिकम्स यूनी पेरेस, के एक ये दो ब्रांचेज जो हैं वो सप्रेस हो जाती हैं, जिसकी केस में हमारे पास जो बाई पेरेसाइम है वो यूनी पेरेसाइम में तब्दील हो जाता है। और इसकी एग्जाम्पल आपके पास है ओसीमम की, जिसको आप नियाज़बो भी कहते हैं। तो ये बेसिकली कम्बिनेशन है इनफ्लोरिसेंस का, जिसके अंदर बाई पेरेसाइम भी मौजूद है और यूनी पेरेसाइम भी मौजूद है, जैसे कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा। ये इन्होंने फ्लैट डायग्राम बना दी है, मैंने जो है वर्टिकल बनाई थी, इन्होंने फ्लैट बना दी है कि ये मेन एक्सिस है, यहाँ से दो ब्रांचेज ओरिजिनेट हुई हैं, वो दो ब्रांचेज मजीद दो ब्रांचेज को ओरिजिनेट करवा रही हैं, लेकिन अब जो नेक्स्ट ब्रांचेज ओरिजिनेट होंगी वो यूनिपेरसली अरेंज होंगी। ये आपको फ्लावर की सूरत में भी, क्लस्टर की सूरत में भी आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारे पास वर्टिकल एस्टर। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज अम्बलेट साइमोज हेड। अम्बलेट साइमोज हेड मतलब, अम्बलेट मतलब ऐसी इन्फ्लोरिसेंस जिसके अंदर हमारे पास जो हेड होगा वो अम्बलेट मैनर में अरेंज होगा। अम्बलेट मतलब एक ही पॉइंट से जो फ्लावर्स या ब्रांचेज ओरिजिनेट हो रही होंगी, तो उसको आप अम्बलेट कहेंगे। इन दिस केस अ लॉन्ग लीफलेस स्टॉक और स्कैप अराइजेज फ्रॉम द मिडस्ट ऑफ द रेडिकल लीव्स, के एक जो है लॉन्ग स्टॉक अराइज होगी सेंटर से। दिस केप बियर्स क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर्स एट इट्स अपर एंड्स, के यहाँ पर जो है वो क्लस्टर ऑफ फ्लावर बनेंगे अपर एंड पर। ठीक है, ऐसा लगेगा कि सेम पॉइंट से जो है फ्लावर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। इट फॉर्म हेलीक्वाइड क्लस्टर्स, हेलीक्वाइड साइमोस क्लस्टर। हेलीक्वाइड मतलब यहाँ से एक ब्रांच ओरिजिनेट होगी, यहाँ से ओरिजिनेट होगी, यहाँ से ओरिजिनेट होगी, इस तरह से हेलीक्वाइड साइम हमारे पास मतलब सेम जो है वो एक्सिस से जब ओरिजिनेट होती जाएंगी फ्लावर्स, तो उसको आप हेलीक्वाइड साइम कहेंगे। और मेन एक्सिस जो ब्रांचेज हैं वो मजीद अम्बलेट मैनर में अरेंज होती जाएंगी। ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे, अम्बलेट साइमोस हेड कहेंगे, कि जिसके अंदर हमारे पास जो मेन एक्सिस था वो साइमोस था और अम्बलेट था, फिर वो मजीद साइमोस में ब्रांच हो जाता है, मतलब हेलीक्वाइड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारे पास जो है स्पेशल इन्फ्लोरिसेंस की टाइप्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन आप लोग बुक से अच्छे से इसको रीड करेंगे तो आप लोगों को इसकी टर्म्स जो हैं वो अच्छे से समझ आ जाएंगी। अदरवाइज़ आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।